दोस्तों, आई एम सद्दाम फ्रॉम ड्रीम टच सक्सेसफुल। दोस्तों, इस वीडियो में मजा आने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वंडर शेयर के बारे में कि वंडर शेयर को हम कैसे एक्टिवेट करें और कैसे क्रैक वर्जन डाउनलोड करें, कहां से क्रैक वर्जन डाउनलोड करें और उसको करेक्ट इंस्टॉलेशन कैसे करें। तो यही देखने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने विंडो ये क्रोम खोला है जो कि मैंने ऑलरेडी खोल रखा है। तो इसमें दोस्तों ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप वहाँ पे जब भी जैसे भी क्लिक करेंगे तो वो आपका ऐसा इस टाइप का खुलेगा, डैशबोर्ड खुल जाएगा इस टाइप का डैशबोर्ड। और डैशबोर्ड खुलने के बाद क्या आएगा दोस्तों, नीचे यहाँ पे जब नीचे आइएगा तो यहाँ पे डाउनलोड कर लेना हमें, ठीक है। यहाँ डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपका दिखा जाएगा इसका पासवर्ड 123 है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो ये डाउनलोड कर रखा है तो मैंने यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये रहा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। तो दोस्तों, मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। मैं इसे कॉपी करने के बाद मैं इसे क्या करता हूँ, इसमें पेस्ट कर देता हूँ। दोस्तों, आप वहाँ पे भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा क्या है कि मेरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है, ठीक है, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको सफाई से दिख जाए। दोस्तों, ये आपका एक आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, मुझे क्या करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। तो एक्सट्रैक्ट हेयर कर लिया। दोस्तों, पासवर्ड क्या है, 123 पासवर्ड है, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, ओके कर देना। अब यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो गया है। दोस्तों, ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब ये हमारा, हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और एक हमारा इसमें है, ठीक है, इसमें दोस्तों ये खुल गया हमारा, ठीक है। और एक हमारा यहाँ खुल गया, ये फिल्मोरा। आप यहाँ से भी कर सकते हो, क्रैक में भी जाके यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें दोस्तों यहाँ से भी कभी कभार क्या होता है कि आपका पहले से विंडो शेयर आपने अपलोड कर रखा है, मतलब इंस्टॉल कर रखा है, तो ये यहाँ से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है कि मिसिंग योर कंप्यूटर ट्राई रीइंस्टॉलिंग प्रोग्राम, ठीक है। ये कभी कभी ऐसा एरर आता है कि क्योंकि मैंने क्या कर रखा था, पहले से मैंने इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है, और आपको दिखाने के लिए क्या कर रहा है कि मुझे फिर से दोबारा उसे अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना पड़ रहा है। तो ये क्या होता है कि कंप्यूटर कहीं से भी कुछ भी होता है तो थोड़ा बहुत डिटेक्ट कर लेता है। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना है, फिर हमें इस पर जाना है और इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये क्या गया, यस बोलेगा, ठीक है। हमें क्रैक में नहीं जाना, हमें फिल्मोरा के ऊपर में आना और यहाँ पे इसे इसे हमें कर देना और यहाँ पे ये हो जाएगा, ये शुरू हो जाएगा हमें, ठीक है। तो हमें ये यहाँ पे टिक कर देना है और ये ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना और ये हमारा होने लगा, ठीक है। दोस्तों, कभी कभी याद रखना दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हमें इंटरनेट से या फिर विंडो डिफेंडर जो होता है वो मोस्टली हमें ऑफ करना होता है ज़्यादातर एप्लीकेशंस में, जो हम जब क्रैक वर्जन डाउनलोड करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो विंडो डिफेंडर होता है कुछ फाइलों को डिलीट कर देता है जो उन्हें लगता है कि ये अननेसेसरी फाइल है, ठीक है। तो आप या तो डिफेंडर ऑफ कर दे, और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हर चीज़ में मतलब इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं इस सॉफ्टवेयर में, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर में हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि मैं इसमें नेट ऑन कर रखा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कितने ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हमें इंटरनेट बंद करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये अभी हो रहा है, अब ये थोड़ा समय ले रहा है। दोस्तों, आप ये हमारा इंस्टॉल हो रखा है। दोस्तों, याद रखना कि अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो इंस्टॉल करने से पहले मोस्टली ये याद मतलब कि आप इंटरनेट बंद कर दो तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि इंटरनेट सेफ बंद करने से ये होता है कि आपको कोई भी ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ना ही ऑनलाइन ना ही ऑफलाइन। तो इसलिए आप मोस्टली ऐसा कर रखें कि इसे जैसे यहाँ पे ये मेरा खुल, अगर मैं अगर जैसे यहाँ पे क्या है कि अगर मेरा इंटरनेट ऑन होता तो ये क्या होता है, यहाँ से भी डिटेक्ट कर लेता। तो हमें क्या करना, हमें ये मैंने बंद कर रखा तो इसलिए इसने डिटेक्ट नहीं किया है, ठीक है। और डिटेक्ट नहीं किया है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें वहीं पे जाना है, हमें फिर से डेस्कटॉप पे। ठीक है, अब ये हमारा इंस्टॉलेशन हो रहा है। दोस्तों, ये हमारा खुल गया है। अब इसे क्या करना है, ये हमारा हो गया है। अब इसे हमें कुछ नहीं करना, क्या करना है, इसे ज्वाइन नहीं करना है, मतलब ज्वाइन यूज़र एक्सपीरियंस, मतलब कहते हैं कि जो एक्सपर्ट है, जो विंडो शेयर के वंडर शेयर के एक्सपर्ट है, उसे कोऑर्डिनेट करेंगे, लेकिन हमें वो नहीं करना, हमें सीधा लॉन्च पे क्लिक करना है। तो लॉन्च क्लिक करने के बाद क्या होता है कि हमारा ये खुल जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा समय लेगा, हमारा खुल गया है, ठीक है। लॉन्च करने के बाद हमारा खुल गया है, तो ये मैंने पहले से बना रखा है इतने सारे, तो इसलिए आ गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताता हूँ कि जैसे न्यू प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो न्यू प्रोजेक्ट ले लिया, तो अब इसे हमें देखना है कि क्या है कि इसमें एक्टिवेट हो रखा है या नहीं हो रखा है,
तो यहाँ पे जाते हैं हम एक्टिवेट विंडो शेयर पे। तो दोस्तों यहाँ पे नहीं हो रखा ऐसा आता है, और जब भी आप क्या करेंगे इसमें, जब भी आप इस पर करेंगे तो इसमें क्या होता है कि वीडियो में हमारा इसके वाटर मार्क आता है, तो हमें वाटर मार्क हटाने के लिए क्या करेंगे ऐसा आता है, तो इसको क्या करना है हमें यहाँ से कट कर देना है और यहाँ से भी हमें कट कर देना है। तो दोस्तों इसके बाद क्या करना है कि हमें वहाँ जाना है जहाँ हमने इसे मतलब एक्सट्रैक्ट किया था, और क्रैक वर्जन में जाना है। ठीक है, तो क्रैक वर्जन में दोस्तों एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक है, इन दोनों को क्या कर लेना है हमें कॉपी कर लेना है, दोनों को क्या कर लेना है कॉपी कर लेना है, और हमें सी में जाना है। ठीक है, हमारा जो है ये ड्राइव सी में जाना है, और ड्राइव सी में जाके प्रोग्राम फाइल में जाना है जहाँ पे हमारा वंडर शेयर हो। ठीक है, तो इसमें हमारा वंडर शेयर ढूंढते हैं कि वंडर शेयर कहाँ पर है। इसमें दोस्तों हमारा वंडर शेयर नहीं है, तो हमारा इसमें होगा फिर, तो इसमें हम देखते हैं वंडर शेयर कहाँ है हमारा। ये रहा दोस्तों, मिल गया हमारा वंडर शेयर यहाँ पे। तो इसमें क्या करना है, वंडर शेयर पे क्लिक करना, और फिर इसके अंदर जाके यहाँ पे आके दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे आके हमें पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्लेस के लिए मांगेगा, तो हम बोला कि हाँ रिप्लेस करना है, तो हम क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे। अब उसके बाद इसे हमें मिनिमाइज कर लेना है या फिर कट कर लेना है। ठीक है, मिनिमाइज करने के बाद हमने यहाँ से मिनिमाइज कर लिया। अब उसके बाद हमें उसे फिर से खोलते हैं। दोस्तों ये हमारा अभी ये खुल गया है। ठीक है, खुलने वाला है जस्ट कुछ सेकंड्स में। दोस्तों हमारा खुल गया है। अब हम न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं और फिर से वहीं चेक करते हैं कि क्या है। इसमें हेल्प में हम गए। ठीक है, और हेल्प में जाने के बाद क्या होता है कि हमें यहाँ पे एक्टिवेट वंडर शेयर पे देख रहे हैं, और यहाँ पे देखते हैं तो ये देखिए योर लाइसेंस हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। तो इसका मतलब आपका हो चुका है, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप हम नेट भी ऑन कर सकते हो। नेट ऑन करने के बाद भी आप क्या कर सकते हो, इसे यूज़ कर सकते हो। दोस्तों पहले जो था, पहले जो विंडो वंडर शेयर जो 9 था, ठीक है, फिल्मोरा 9, उसमें क्या था कि आप क्रैक वर्जन तो डाउनलोड कर लेते थे, लेकिन उसमें क्या था कि आप जैसे इंटरनेट ऑन करते थे तो उसमें क्या होता था, वो अपने ऑटोमेटिकली रिडेक्ट कर लेता था और उसको बता देता था कि आप क्या कि यूज़र नहीं हो, तो आपका क्या होता है फिर से वो डीएक्टिवेट हो जाता था। लेकिन इसमें विंडो वंडर शेयर एक्स में ऐसा कुछ नहीं है। आप विंडो करने के बाद भी जैसे मैंने देखो यहाँ पे देख रहा हूँ, तो इसमें दिखा ऑलरेडी दिखा रहा है कि योर लाइसेंस हैज़ बीन एक्टिवेटेड। तो आप इसको इंटरनेट के साथ भी यूज़ करते। तो दोस्तों हाउ होपफुल आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो को अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे अपडेशन आप तक टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।